नमस्कार, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज देखें, वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज मिस्टर एंड मिसेस माही का रिव्यू। मिस्टर एंड मिसेस माही धर्मा प्रोडक्शन और जी स्टूडियो की भेंट है और इसे शरण शर्मा ने निर्देशित किया है। इसके लेखक निखिल मेहरोत्रा और शरण शर्मा हैं। दरअसल हर डिकेड में, हर दशक में अभिमान जैसी कुछ फिल्में बनाई जाती हैं, जहां पति पत्नी के बीच के द्वंद्व, ईर्ष्या आदि भावनाओं को लेकर के एक भावनात्मक उबाल पैदा किया जाता है और बताया जाता है कि कैसे इस प्रतिद्वंदिता में उनका अपना नुकसान होता है और फिर कैसे वे एक दूसरे को समझते हैं, रिश्तों को सुलझाते हैं और फिर सही लकीर पर आ जाते हैं। आपने बहुत सारी फिल्में ऐसी देखी होंगी, यह भी एक ऐसी ही फिल्म है। बस फिल्म का बैकड्रॉप थोड़ा बदल दिया गया है। कहानी जयपुर में है और पृष्ठभूमि में क्रिकेट है। नाम से ही स्पष्ट है माही, ये महेंद्र सिंह धोनी के पॉपुलर होने के बाद की फिल्म है। उनके नाम का इस्तेमाल किया गया है, उन्हें धन्यवाद भी दिया गया है। फिल्म का नायक जो महेंद्र अग्रवाल है, उसे क्रिकेट का शौक है, क्रिकेट खेलता है। वह अपने पिता के धंधे में नहीं शामिल होना चाहता। उनके खेलों के सामान की एक दुकान है लेकिन उसका दिल वहां नहीं लगता। वह चाहता है कि राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर वह खेले। अपनी ईमानदारी से वह लगा रहता है लेकिन शायद वह उतना उम्दा खिलाड़ी नहीं है, इसलिए चूक जाता है और फिर यह तय होता है कि अब वह दुकान पर बैठेगा। इस बीच उसकी शादी की बातचीत चल रही है, अरेंज्ड मैरिज है। उसके पिता तमाम झूठ बोलते हैं लेकिन वह नहीं चाहता कि उसकी होने वाली पत्नी किसी भ्रम में रहे, किसी धोखे में रहे। वह जाकर साफ सारी बातें कह देता है और यही दोनों के तार जुड़ जाते हैं, उसकी ईमानदारी और इसका भरोसा। और इस प्रकार वे मिस्टर एंड मिसेज माही हो जाते हैं क्योंकि दोनों के नाम माही हैं पुकार के। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है और जो पुरुष माही है वह तय करता है कि वह स्त्री माही को क्रिकेटर बनाएगा क्योंकि उसे क्रिकेट खेलना आता है, ऐसा उसे लगता है, और वह उसका कोच बन जाता है। और फिर सारी कहानी चलती है, फिर इमोशन चलता है, फिर वो कैसे माही मशहूर क्रिकेटर हो जाती है, राज्य स्तर पर खेलती है, फिर कैसे पुरुष माही का ईगो उभर कर आ जाता है जो अमूमन ऐसी फिल्मों में होता है और सामान्य जीवन में भी होता है। अगर पति पत्नी समान धर्मा है, समान पेशे में है या अलग अलग भी हैं और इंडिपेंडेंट हैं, तो उनमें परस्पर ईर्ष्या, द्वेष और नफरत की भावना कई बार काम करती है। लेकिन इस फिल्म में एक नई बात है कि यहाँ मेल ईगो को शांत होते और खुद को रियलाइज करते दिखाया गया है और यह इसमें एक नयापन है। मैं कहूंगा कि राजकुमार राव ने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। वे एक उम्दा अभिनेता हैं, निश्चित रूप से उनको जो भी रोल मिला है, जितने दृश्य मिले हैं उसमें उन्होंने बेहतरीन काम किया है। वे उस इमोशन को, वे उस द्वंद्व को पकड़ पाते हैं और ग्रे होते हुए अपने करेक्टर को भी निभाते हैं पूरी ईमानदारी से। वहीं जानवी कपूर के पास एक मौका था लेकिन वह निराश करती हैं और उनकी अयोग्यता फिर से उभर कर सामने आती है। इतने बेहतरीन मौके मिल रहे हैं उन्हें, क्यों नहीं वह अपने किरदारों पर मेहनत करती हैं, क्यों नहीं वह अपने अभिनय पर मेहनत करती हैं। केवल लुक और बाकी चीजों पर ध्यान देने से कैरियर ठोस नहीं हो सकता। मुझे इस फिल्म में कुमुद मिश्रा भी कमजोर लगे, वैसे उनका किरदार ढंग से गढ़ा भी नहीं गया है, लेकिन आम फिल्मों में भी उनके लिए ऐसा ही होता है जहां वे
सशक्त नजर आते हैं, यहां वे कुछ कंफ्यूज अपने किरदार को ही दिखे और वे ढंग से निभा नहीं पाए उसको। फिल्म में जरीना वहाब भी हैं, उन्हें देखना अच्छा लगता है, छोटी सी भूमिका है और एक दृश्य मिला है जहां वह अपने कर्तव्य का निर्वाह करती हैं और एक माँ की भूमिका निभाती हैं। बाकी किरदारों में ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ, राजेश शर्मा है जो अब वही पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं, उनकी चूंकि प्रेजेंस है एक और हम उन्हें देखते रहे, पसंद करते रहे हैं, इसलिए वे सामान्य किरदारों को भी निभा ले जाते हैं, बस उससे ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो यह फिल्म धर्मा प्रोडक्शन से आई हुई एक कमजोर फिल्म है। शरण शर्मा ने यहाँ ज्यादा मेहनत नहीं की है या उनसे हो ही नहीं पाई है क्योंकि उनके पास एक ठोस स्क्रिप्ट नहीं है। इस फिल्म में जो कुछ भी थोड़ा लुभाते हैं वह राजकुमार राव हैं और उन्हीं के लिए यह फिल्म अगर देखी जाए तो देखी जा सकती है। बाकी आप बताएं आपको फिल्म कैसी लगी है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।